हेलो नमस्कार दर्शकों, लोकसभा 2024 के चुनाव से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। मैं सचिन यादव चुनाव पर चर्चा इस खास प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देश में लोकसभा चुनाव 2024 अभी जारी है और आज हम इस प्रोग्राम में एक ऐसी लोकसभा सीट की चर्चा करने जा रहे हैं जो विपक्ष से लेकर पक्ष दोनों के अंदर चर्चा का विषय बन चुकी है। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं अमेठी लोकसभा सीट की, और इस पर पूरी चर्चा करने के लिए हमारे साथ सर पुरुषोत्तम शर्मा जी यहाँ हमेशा की तरह मौजूद हैं। तो चलिए हम सर से पूछने की कोशिश करते हैं कि सर, जैसे बात की जाए अमेठी लोकसभा सीट की, तो इसको लेकर क्या जो है नए आंकड़े सामने कुछ निकल के आए हैं, या फिर किस प्रकार का माहौल इस लोकसभा सीट के ऊपर बना हुआ है? क्योंकि हम लगातार देख भी रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी भी अभी हाल ही के अंदर जो स्पीच उनका आया है या यूं कहीं रैली के संबोधित जो है उन्होंने किया, तो उसमें भी जो है इस सीट का उन्होंने जिक्र किया, तो इस सीट के ऊपर कैसा माहौल जो है अभी दिखाई दे रहा है? देखिए दर्शकों, जैसे सचिन जी ने आपको बताया अपने इंट्रो में कि आज की जो चर्चा है इस वीडियो की मुख्य रूप से अमेठी की सीट पर होने जा रही है, जिसमें हम बताएंगे कि वहाँ पर क्या क्या फैक्टर काम कर रहे हैं, कैसे चुनाव में स्मृति ईरानी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले मैं देखो आपको एक चीज़ बताऊँ, जो राजपूत नाखुश हुए हैं बीजेपी से, आपने सुना ही होगा पुरुषोत्तम रूपाला जी जो गुजरात से इनके प्रत्याशी थे, उनके बयान के बाद जो मुद्दा पकड़ा है पूरे देश में राजपूतों का मुद्दा, फिर वो राजस्थान हो, फिर आपके मध्य प्रदेश हो या अन्य कोई राज्य हो जहां पर राजपूत साफ साफ नाखुश दिख रहे हैं। अमेठी की सीट की बात की जाए तो यहाँ पर राजपूत समाज की बहुतायत है और राजपूत समाज लगातार नाराज दिखाई दे रहा है। पहले आप एक ये वीडियो हम आपके लिए चला रहे हैं, ये वीडियो देखिए, जिसमें देखिए राजपूत समाज कैसे शपथ ले रहा है। आगे हाथ करो फिर। आज इस अमेठी की धरती पर बाबा भैरवनाथ के प्रांगण में हम लोग शपथ लेते हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के खिलाफ जिन जिन लोगों ने बोला है, महिला होते हुए भी महिला के सम्मान में जो लोग खड़े नहीं हुए, उनके खिलाफ अब की बार इस सांसद चुनाव में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जवाब मांगा जाएगा। आप सब लोगों से मुझे ये विनती है, हर घर जाकर इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और सबको जागरूक करेंगे। अब की बार मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। माँ भगवती कसम खाकर हम ये शपथ लेते हैं, अब की बार चुनाव में इस पार्टी को हराने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी, जय भारत बाबा की। जैसा कि दर्शकों आपने ये वीडियो देखा कि राजपूत समाज ये कह रहा है कि भाई हम इस बार स्मृति ईरानी यानी कि बीजेपी को वोट नहीं करेंगे और उनके अगेंस्ट में वोट डालेंगे। अगर मैं फैक्ट के आधार पर आपसे बात करूं तो जैसे राजपूत समाज की अगर बात की जाए अमेठी में, तो अमेठी में करीब करीब 12% राजपूत समाज के वोटर हैं। अगर एक बार मोटा मोटा वहाँ के वोटर की बात कर ली जाए कौन सा वोटर कितना है, तो चलिए उसके आधार पर आपको समझने में भी फिर आसानी होगी। वैसे अगर अमेठी लोकसभा सीट की अगर मतदाता की बात की जाए तो देखो 34% जो मतदाता है वहाँ पे ओबीसी वर्ग से आता है। वहीं अगर दलित वर्ग की बात की जाए तो इसकी आबादी 26% है। अगर इन मतदाताओं को जाति के हिसाब से देखा जाए तो 8% ब्राह्मण है वहाँ पर, 12% राजपूत है जैसा आपको मैंने बताया है, और 20% मुस्लिम मतदाता हैं। 2019 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 17,16,102 मतदाता थे और इसमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब करीब 3.5 लाख से अधिक है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए जैसे मुस्लिम मतदाता का जैसा माना जाता है कि ये बीजेपी का वोटर कोर वोटर नहीं होता, ये कांग्रेस को ही वोट करता है। दूसरा फैक्टर अगर आप देखें, अगर राजपूत समाज का 12% वोट भी अगर कांग्रेस के पास चला जाता है तो सीधी सीधी बात है कि कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा जी हैं काफ़ी मजबूत हो गए हैं। जो पहले चुनाव ऐसा लग रहा था कि वो स्मृति ईरानी एक तरफा चुनाव जीत जाएंगी जब राहुल गांधी जी ने यहाँ से लड़ने से मना किया था, अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव कड़ी टक्कर का हो गया है। अगर देखो फलोदी सट्टा बाजार को भी आधार लें तो फलोदी का सट्टा बाजार कह रहा है कि इस सीट पर कड़ी टक्कर है। इन दोनों प्रत्याशियों के रेट में करीब 30 से 40 पैसे का ही अंतर है, मतलब यानी कि साफ साफ फलोदी का सट्टा बाजार भी यह बता रहा है कि इस बार
स्मृति ईरानी यहाँ से चुनाव हार भी सकती हैं, मुकाबला बेहद ही कड़ा है। और देखो, मैंने मतदाता प्रतिशत के आधार पर भी आपको समीकरण बताया। और दूसरा, अगर हम पिछले इतिहास को देखें, 2019 की अगर बात करें, तो 2019 में अगर राहुल गांधी जी की बात की जाए तो वो लगभग 50,000 वोटों से यहाँ से हारे थे। और इस बार ऐसा कहा जा रहा था कि अगर राहुल गांधी जी यहाँ से आते हैं तो वो 50,000 का जो फासला था वो आसानी से तय हो जाता, क्योंकि जनता ने पहले तो जनता वहाँ पर अगर कह रही थी कि हम एक मौका देना चाहते हैं स्मृति ईरानी जी को कि वो यहाँ पर काम करेगी। पर वो अब 5 साल के बाद कहीं ना कहीं जनता उनसे भी नाखुश दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट भी अब की बार चुनाव में दिखेगा। अब KL शर्मा जी इसको कितना बुना पाते हैं। और इसके साथ मैं जोड़ता हुआ एक बात और बता दूं कि कांग्रेस ने पूरी जान लगा रखी है अमेठी और रायबरेली पे। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को तो आप जानते ही होंगे, अशोक गहलोत जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। अशोक गहलोत जी वहाँ पर घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो भी वहाँ पर जाकर घर घर प्रचार कर रहे हैं। यानी कि कांग्रेस ने वहाँ पर पूरी ताकत लगा दी है, बड़े बड़े चेहरे वहाँ पर जाकर प्रचार कर रहे हैं। राजस्थान के भी करीब 20-25 से नेता जो इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं वो भी वहाँ पर जाकर गहलोत की टीम में बैठे हुए हैं और लोग अमेठी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और जैसा दर्शकों आपको पता होगा कि 20 मई को वहाँ पर वोटिंग होनी है, प्रियंका जी ने वहाँ पर जान लगा रखी है। तो ये सारे फैक्टर जो हैं, इस बार ऐसा लग रहा है कि चुनाव तो वहाँ पर बिल्कुल टक्कर का हो गया है। और जो राजपूत समाज की नाराज़गी हो या फिर फलोदी सट्टा बाजार को भी आधार लें, तो इन सभी फैक्टर को आधार लें तो मतलब ये है कि स्मृति ईरानी इस बार यहाँ से चुनाव हार भी सकती हैं। आपको क्या लगता है? मैंने जितने आपको फैक्ट बताए, लेकिन आपको मेरे फैक्ट और आपका अनुमान, अगर आप अमेठी से देख रहे हैं या आसपास के इलाकों से वीडियो देख रहे हैं, तो हमें बताइए कि अमेठी से इस बार क्या कांग्रेस के KL शर्मा जीत रहे हैं या फिर स्मृति ईरानी वापस से चुनाव जीतने जा रही हैं। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। सर ने जैसा आपको इस लोकसभा सीट को लेकर जातीय समीकरण भी बताया, जातीय समीकरण एक प्रकार से देखें तो लोकसभा सीट में ये किसी चुनाव का मुद्दा नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक रोल जो है वो प्ले करता है किसी भी चुनाव को जीतने के लिए। तो उसी के आधार पर सर ने जो इसके फैक्ट्स थे, या यूँ कहे कि राजपूत समाज को लेकर जो बातें सामने आ रही थी, हर प्रकार का जो है इसके ऊपर निष्कर्ष आपको बताया है। फिलहाल जो है इस प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के इस प्रोग्राम का मैं था आपका होस्ट सचिन यादव, हमारे साथ है सर पुरुषोत्तम शर्मा जी। और जैसा सर ने कहा कि इस वीडियो के अंदर जो है अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही चुनाव से जुड़ी और जानकारियों के साथ। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही और रोमांचित जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।